गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम करने वाले हैं 6th जनवरी 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैं द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस ऑलरेडी कर चुकी हूं, तो जो भी कॉमन यहां पर आर्टिकल होने वाले हैं वो मैं यहां पर बार बार नहीं समझाने वाली। जितनी क्षमताएँ मेरे अंदर थी, एक खबर को मैंने उतने अच्छे से उस न्यूज़पेपर के एनालिसिस में समझा दिया है, तो आप चैनल पर जाके उसको भी देख सकते हैं। खैर, अभी हम बढ़ते हैं। तो पहला आर्टिकल हम देखते हैं जो कि है नेवी थ्रोट्स हाईजेकिंग अटैम्प्ट इन अरेबियन सी। देखिए, ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन कर चुकी हूं, तो इसीलिए हम यहां पर बस इतना समझ लें कि एक नेवी का हमारा शिप था जिसको अरेबियन सी के अंदर हाईजैक करने की कोशिश की गई, लेकिन उसको हाईजैक नहीं किया गया, जो कि लीला नॉरफॉक नाम का शिप है, और उसको बचा लिया गया आईएनएस चेन्नई के द्वारा, जो कि हमारा अलग शिप था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियाज जीडीपी एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 7.3% एनएसओ डाटा। अगेन, यह आर्टिकल मैं इंडियन एक्सप्रेस में बहुत डिटेल में विद सब पॉइंट्स के साथ डिस्कस कर चुकी हूं। तो यहां पर यही है कि एनएसओ, जो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल का डाटा होता है, उन्होंने बताया कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो जो ग्रोथ की गई थी, वो जो सोचा गया था 7 पॉइंट के हिसाब से सोचा गया था इस साल, लेकिन जो रिजल्ट आया है वो आया है यहां पर 7.3% का, जो कि कंपैरिजन के अंदर यहां पर काफी ज्यादा है जितना हमने सोचा था। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। यह आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बल्कि, जो कि लिखा गया है रुचि गुप्ता द्वारा, जो कि बात कर रही है ब्रिंगिंग बैक द फेथ इन इंडियन पॉलिटिक्स। देखिए क्या बातें हो रही है, माइंड मैप से हम समझेंगे। तो ब्रिंगिंग बैक फेथ इन इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इशू क्या है। तो आर्टिकल जो है वो लिखा गया है रुचि गुप्ता द्वारा, जो कि फोकस कर रही है कि किस प्रकार से इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर दोबारा से जो विश्वास था या लोगों का एक तरीके से भरोसा होता था, गुड फेथ का अच्छा भरोसा था, उसको वापस से लाने की जरूरत है। ऑथर यहां पे कुछ कंसर्न एक्सप्रेस करती है, जो कि इंडिया की जो स्टेट है, कंट्री की जो डेमोक्रेसी की स्टेट है, उसके ऊपर यहां पर सवाल उठाते हैं, और उन्हीं को मार्क करते हुए पार्टनरशिप की बात हो रही है कि कैसे पॉलिटिकल एनवायरमेंट के अंदर एक डेट्रीमेंटल पोलराइजेशन दिखाई दिया है। देखिए आराम से समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग द इशू के अंदर ऑथर ने कुछ यहां पर रेंज ऑफ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई किया है, दोनों तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी, अपोजिशन की तरफ से भी। वो कह रहे हैं कि ये जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है ना, कि आप एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, उनमें कमियां इस हद तक चले जा रहे हो अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, कि जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है, इंडिया की इलेक्टोरल है, जो वोट दे रहे हैं उन्हीं का भरोसा उससे उठा जा रहा है, कि ये ऐसा क्यों करते हैं। तो ये कुछ बिहेवियर इंक्लूड करते हैं, रूलिंग रिजिम में भी ये देखा जा रहा है कि वो अब्यूज़ करते हैं स्टेट की पावर का, और अपोजिशन के अंदर भी ये देखा जाता है कि वो ऐसे स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि वो गवर्नमेंट को यहाँ पर एम्बैरेस कर सके। तो दोनों तरफ से ये प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं। दूसरा यहां पर ऑप्शन है जो कि है एड्रेसिंग द इशू। कुछ सजेशन यहां पर दिए गए हैं, और सजेशन ये प्रोवाइड करते हैं कि जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, जिसमें से कुछ सजेशंस में से ऑथर बताते हैं कि किस प्रकार से जो इंडिविजुअल है उसका रोल यहां पर ज्यादा अच्छा होना चाहिए, जब वो रिस्पेक्ट करता है सिविलिटी को, मॉडर्नाइजेशन को पॉलिटिक्स में, तो हर इंसान को अपने ऊपर आके, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो गवर्नमेंट से हो, चाहे वो अपोजिशन से हो, चाहे वो वोट करने वाला हो, हर किसी को यहाँ पर अपनी इंडिविजुअल जो उनकी जिम्मेवारी मिलती है वो यहाँ पर निभानी चाहिए। और ऐसे इंडिविजुअल्स जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कई बार जो रेलिवेंट पॉलिटिकल स्पेस हमें दिखाई देता है उनसे बहुत बार रेलिवेंस हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं उनमें, उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल माना गया है, कंसिडर किया गया है कि बेसिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को वापस लाने के लिए उनको यहाँ पर अनइन्फ्लुएंस करवाना पड़ेगा, यानी उनके इन्फ्लुएंस को तोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट यहां पर है इफेक्ट ऑफ पार्टनरशिप। देखिए हम एक एक करके समझ रहे हैं कि एक इंसान को ठीक करिए, फिर जो इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा सा पीछे हटिए, दूसरा क्या पार्टनरशिप करके आप बहुत ज्यादा बदलाव लेके आ सकते हैं। ऑथर ने क्रिटिसाइज किया है कुछ टेंडेंसीज को, कि कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना उनके अंदर वो हमेशा लॉयल्टी की डिमांड रखती है। वो कहती है कि देखिए आप ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी देख सकते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो हमारा पार्लियामेंट का है, मैं आपको भी याद दिलाती हूँ, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, 10th शेड्यूल लॉ जिसको बोलते हैं, 1993 के अंदर इसको लाया गया है। तो ये जो लॉ है, ये लॉ बताता है कि किस प्रकार से आपकी अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी में अगर पूरी पार्टी एक बात से सहमत है तो आप उसके खिलाफ वोट नहीं बोल सकते, आप बोल भी नहीं सकते, वोट देना तो अलग गया। तो ये कहीं ना कहीं वो लॉयल्टी की वजह से जो पॉलिटिकल इंडिविजुअल की जो डेमोक्रेसी होती थी ना, उसको यहाँ पर ख़त्म किया गया है। तो इसी वजह से जो लॉयल्टी मांगते हैं, इसकी वजह से यहाँ
पर एक्सेसबेट कर देते हैं पार्टनरशिप को और सीनिसिज्म यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये सजेस्ट किया जा रहा है कि जो पार्टी के मेंबर हैं उनको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि जो उनकी पार्टी कह रही है सिर्फ वही, बल्कि उनको इन्फ्लुएंस करना चाहिए कि हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए, आधुनिकता की तरफ ज़्यादा पढ़े हम और एक सब्सटेंसिव इशू के ऊपर ज़्यादा फोकस करें जो सबकी भलाई के लिए हो। फोर्थ पॉइंट की तरफ हम देखते हैं जो कि आर्टिकल में बात किया गया है, वो है इम्पैक्ट ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। देखिए गुप्ता जी यहाँ पर बात करती हैं कि जो इफेक्ट देखने को मिले हैं एंटी डिफेक्शन कानून के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे डेमोक्रेसी में उनके ऊपर, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हैं इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम में। डिस्पाइट ये ला कुछ यहाँ पर कानून लगाता है, कंस्ट्रेन लगाता है लेजिस्लेटर के ऊपर जो खुद कानून बनाने वाला है, लेकिन इसमें ये कमी है कि ये उतना ज़्यादा इनफ प्रोविजन नहीं दिलाता यहाँ पर, ये इतना इनफ प्रोविजन जितने होने चाहिए उतने नहीं दे रहा कि जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी है। बाहर के लिए तो आप ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने एग्जांपल दिया ना आपको कि इनर पार्टी में भी तो लोकतंत्र होना चाहिए, उसके ऊपर यहां पर प्रोविजंस नहीं है और यही इसका सबसे बड़ा इशू बेस्ड मोबिलाइजेशन यहां पर हो जाता है, इशू निकल कर आता है। लास्ट पर हम समझते हैं जो कि है रोल ऑफ मीडिया। मीडिया का क्या रोल है यहां पर, तो देखिए जो ऑथर है वो इस तरीके से बताता है कि मीडिया का भी रोल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मीडिया को भी एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म यहाँ पर निकालना चाहिए। देखिए कैसे मीडिया के ऊपर गोदी मीडिया ऐसे ऐसे हमेशा टैग लगते रहते हैं, राइट? कोई एक मीडिया का जर्नलिस्ट किसी दूसरे को कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कोई किसी को दूसरे, तो ये ठीक नहीं है। एक समय ऐसा होता था कि न्यूज़ जो आती थी वो सच होती थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ होती है और इसी वजह से जो मीडिया के अंदर ट्रस्ट था, जो कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको बोला जाता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्वेश्चनेबल बन चुका है आज के आधुनिक टाइम में, और इसको रिस्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगेन मैंने आपको स्टेटमेंट दिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तो ठीक से इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा ये। और ऑथर ने कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर दिए, जैसे कि कुछ प्रोटेस्ट की बात हुई, जैसे इसराइल के अंदर जो खुद ही गवर्नमेंट अटैम्प्ट कर रही थी जुडिशियल इंडिपेंडेंस को ख़त्म करने के लिए, तो गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट देखे गए। फिर कुछ प्रोटेस्ट होते हैं जो कि किसी आइडियोलॉजीज को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, किसी जो डेमोंस्ट्रेट करते हैं डाइवर्स सिटीजनशिप को डिफेंड करने के लिए, कि उनकी डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है उनका यहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। तो एट द एंड हमें बस यही समझ में आना चाहिए इस इंपॉर्टेंस से कि अगर ये जीएस के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इंडिया की जो डेमोक्रेटी है या क्या इंडिया का जो एक नेचर है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल स्टेट के अंदर है, मीन्स के अंदर बिल्कुल ऐसे सवाल आते हैं, जीएस पेपर टू जो है वो आपका पूरा भरा होता है करंट से, पूरा रेलिवेंस है, इसीलिए हम लोगों को न्यूज़पेपर यहाँ पे पढ़ना पड़ता है, तो उसको समझने के लिए यहाँ पर यही बात होनी चाहिए कि जो यूनिटी है, एकता होनी चाहिए सिटीजनशिप के ऊपर, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी महत्वता यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी क्या आइडियोलॉजिकल लर्निंग्स है या उनका अटैम्प्ट क्या, अगर आप ये चाहते हो कि जो ट्रस्ट है इंडिया के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में वो बरकरार रहे और उसको रिस्टोर किया जा सके, तो यहाँ पर एकता लानी पड़ेगी, यूनिटी लानी पड़ेगी सिटीजन्स के अमंग में, और उनको जो उनका खुद का डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है उसको बचाना पड़ेगा, रिजर्व करना पड़ेगा। इसको इन्फ्लुएंस करने के लिए भी यहाँ पर कुछ रोल देखे जा सकते हैं, जैसे कि पोटेंशियल मॉडिफिकेशन है पार्टी के नॉर्म्स में, करना ही पड़ेगा आपको कानूनों में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक अगर पार्टी के लीडर को कोई बात ठीक नहीं लग रही है या कोई भी लीडर नहीं है, कोई और मेंबर है पार्टी का, तो आप उसको बिल्कुल सांसें उसकी बंद कर दोगे कि वो उसके खिलाफ बात भी नहीं कर सकता है, बोल भी नहीं सकता है, तो ये चीज़ें बहुत गलत है। इसीलिए जो कानून है एंटी डिफेक्शन कानून है उनके अंदर भी कुछ यहाँ पर बदलाव की ज़रूरत है, डिस्कशन होना चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर, मीडिया का जो रोल है उसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, और जो वाइटल कंपोनेंट्स है इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर उनको यहां पर आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ठीक है हम किस तरीके से इनको बढ़ा सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जो कि है द राइजिंग क्राइसिस ऑफ एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंस। ड्रग वॉर का ये आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है। एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंस इज अ हेल्थ इशू दैट विल निगेट एडवांस इन मेडिसिन। देखिए सवाल बिल्कुल आ सकता है मेन्स से, तो जीएस पेपर थ्री में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सबके लिए। तो बात करते हैं क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंस होता क्या है। तो देखिए जब समय के साथ साथ एडवांसमेंट हो रही है मॉडर्न मेडिसिंस के ऊपर, तो उसमें कुछ सेटबैक भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी दिखाई देती हैं, और उसी में से एक प्रॉब्लम है यहां पर एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंस का। क्या होता है? AMR,
AMR, एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंस के नाम से इसको जाना जाता है, और इसका मतलब है कि जब कोई पैथागोन्स डेवलप होते हैं, देखिए आप समझिए कि आपको एक दवाई दी गई है, कोई जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया कोई जन्म लेता है, आता है फंजाई वगैरह, और अब उसको ठीक करने के लिए आप पे कोई दवाई दी गई, लेकिन जो ड्रग उनको ख़त्म करने के लिए मारने के लिए बनाई गई थी, अब उसने खुद की आपकी जो एंटीबॉडीज़ थी आपके जो वाइट सेल को उनको भी मारा, उनमें से कुछ जो सेल्स थे उनको भी मार दिया, लेकिन कुछ सेल ऐसे बच गए, कुछ बैक्टीरिया ऐसे बच गए जो उससे मर नहीं पाए और वो उसके खिलाफ रेसिस्टेंस हो जाते कि अब तुम इसको कितना भी दो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये होती है एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंस, AMR। तो ये जो जर्म्स हैं वो मारे नहीं जाएंगे, आप उसी दवाई को खाएंगे तो, और वो और ज़्यादा ग्रो करते जाएंगे, कंटिन्यू रहेंगे अपनी ग्रोथ को वो। और ये जो रेसिस्टेंस देखा जाता है इन्फेक्शंस के लिए काफी डिफिकल्ट होता है, कई बार तो इम्पॉसिबल हो जाता है ठीक करना, ट्रीट नहीं किया जा सकता इसको बाद में। तो क्या क्या रीजंस है, क्या क्या इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, तो इसके लिए हम समझते हैं पहले आर्टिकल को, उसके बाद यहां पर कुछ और बातें की गई है, मेंस के हिसाब से एक सवाल को लाया गया है, वो हम देखेंगे कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, क्या क्या इसके प्रिवेंशन है। तो देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है द अलार्मिंग स्टेट ऑफ एंटीबायोटिक यूज इन इंडिया। देखिए, एक सर्वे करवाया गया था नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आता है, जिसने ये बात बताई है कि 70% जो पेशेंट हैं टेरिटरी जो आपके हेल्थ केयर होते हैं, टर्शरी केयर हॉस्पिटल है 15 स्टेट के अंदर, उनमें से दो टेरिटरीज ऐसी बताई गई हैं कि जो प्रिस्क्राइब करती हैं एंटीबायोटिक्स। मतलब हर कोई, देखिए आप सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ, तो अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, कोई भी आपको इन्फेक्शन होगा, तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, राइट? कम से कम 70%, 100 अगर पेशेंट गए हैं तो उनमें से 70 पेशेंट को ये एंटीबायोटिक मेडिसिंस दी जाती हैं। अब ये जो इससे जो होने वाला है, अब जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, जो कि होता है प्रोफाइलाइटिक का, यानी कि प्रिवेंशन के लिए। देखिए, दो तीन तरीके की यहां पर बीमारियां होती है, दो तीन तरीके की मेडिसिन होती है, एक मेडिसिन होती है आपको प्रिवेंशन करने के लिए, पहले ही दे दिया गया कि आप इसको ले लीजिए, खत्म हो जाएगा, होगा ही नहीं आपको। दूसरी मेडिसिंस होती है यहाँ पर कि आपको हो गया है तो अब उसको मारा कैसे जाए, तो एक्टिव जो एक्टिव इन्फेक्शन है उसको ख़त्म कैसे किया जाए, तो ये एक्टिव इन्फेक्शन के लिए नहीं होती है, बल्कि प्रोफाइलेटिक जो होती है वो होती है प्रिवेंशन के लिए, कि इन्फेक्शन हुआ नहीं है, पहले ही उसको प्रिवेंट कर लिया जाए। तो जो आपकी जितनी भी एंटीबायोटिक्स आपको मिलती हैं, आप कभी बीमार होते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, तो 55% आप वो दवाइयाँ लेकर आते हो, या 55% वो लोग वो दवाइयां लेकर जाते हैं जो प्रोफिलाइटिक होती हैं, यानी कि वो उस समय पे जब आपको इन्फेक्शन है तो उसके लिए वो बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, बिल्कुल भी उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगी। अब इससे क्या होता है, आप ऐसी दवाइयाँ ले रहे हो, अब ये एक्टिव इन्फेक्शन पे काम नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत काम भी किया 1-2%, अब वो उससे रेसिस्टेंट हो जाएगा, उसकी बैक्टीरिया की बॉडी में भी तो एंटीबॉडीज बन जाएंगी ना। अब आप अगर वो प्रिवेंट करने के लिए भी उसको लोगे तो भी वो उससे अब मारा नहीं जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या निकल के आती है। सेकेंड पॉइंट इसी से इंटरलिंक फिर से, इम्प्लीकेशन ऑन ग्लोबल हेल्थ। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी यहाँ पर एक डाटा निकाला है जिसमें ये एस्टिमेट किया गया है कि जो बैक्टीरियल AMR होता है, यानी कि आपका एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंस होता है, उसकी वजह से यहां पर लगभग 1.27 मिलियन डेथ देखी गई है 2019 में। कितनी डेथ देखी गई है यहां पर, 1.27 मिलियन, तो लगभग यहाँ पर 12,70,000 लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि उनके ऊपर दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया, या फिर उनको AMR की समस्या यहाँ पर हुई है। और ये और भी ज़्यादा डेथ यहाँ पर दिखा रहा है, अगर 4.95 मिलियन डेथ अब 2023 तक का डाटा यहाँ पर दिखा रहा है, तो 4.95, यानी कि लगभग यहाँ पर हम देख पाएंगे कि लगभग 50 लाख लोगों में यहाँ पर ये समस्या देखी गई है। तो चलिए, उनकी मौत हो चुकी है इसी प्रॉब्लम्स की वजह से, तो ये क्राइसिस है, बहुत बड़ा क्राइसिस है। ये इन्फेक्शन को एक तो ये भी है कि देखिए, एक तो ये इन्फेक्शन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है, दूसरी बात ये है कि अब जो पहले इन्फेक्शन होता था उसको ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन अब जो ये स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन है, जब ये
दूसरे इंसान को होगा, फैलेगा, तो उसमें भी ये स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन आएगा, उसको भी AMR हो जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है, तो पूरे ग्लोब के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे जो कि बात करें एंटीबायोटिक मिसयूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर भी जो ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, दवाइयों का यूज़ किया जाता है ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, खासकर एनिमल्स के अंदर, कि कोई दूध देते हैं एनिमल, गाय भैंस, तो उनको इंजेक्शन या ड्रग दी जाती है कि ज़्यादा दूध दे, या फिर प्लांट्स को दिया जाता है ताकि वो जल्दी ग्रोथ कराए, वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्निंग फैक्टर यहाँ पे है, क्योंकि इन ड्रग्स का मिसयूज हो जाता है या फिर इनका ओवर यूज़ हो जाता है, जितना उनका यूज़ नहीं करना चाहिए उतना ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो वेटरनरी और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होते हैं उनके अंदर भी एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से यहाँ पर AMR की जो प्रॉब्लम है इंसानों में, जो उसको लेते हैं, वो भी ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि वो रेगुलर तरीके से उनको खा रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ पर जो एनवायरनमेंट में आपका बायो मैग्नीफाइंग मैग्नीफिकेशन और बायो अक्यूमिलेशन का प्रोसेस होता है, वो यहाँ पर लगातार ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रहा है। फिर यहाँ पर कुछ एविडेंसेस भी हैं, चलिए उनकी बात करते हैं। AMR एंड हॉस्पिटल प्रैक्टिसेस, एक सर्वे करवाया गया जिस सर्वे ने ये रिवील किया कि जो मोर देन हाफ ऑफ द एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं वो प्रिवेंशन के लिए होती है, ना कि ट्रीटिंग के लिए, ये हम समझ चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस दिखाता है कि जो पैथोगोन्स डेवलप हो रहे AMR के, वो इन प्रैक्टिसेस की वजह से ही हो रहे हैं, ध्यान से यहाँ पर अच्छे से नहीं किया जाता, इसी वजह से देखा जा रहा है। और एंटीबायोटिक्स इन एनिमल हस्बेंड्रीज के अंदर जो देखी जा रही है वो भी ओवरयूज की ड्रग्स की वजह से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर बिल्कुल वर्स कर रही है AMR को, और जो प्रेजेंट सिचुएशन है अगर उसको स्ट्रिक्टर रेगुलेशन के साथ यहाँ पर कॉल आउट नहीं किया गया कि आप जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या फिर एंटीबायोटिक्स का जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो ह्यूमन मेडिसिंस के अंदर ही नहीं बल्कि एनिमल मेडिसिंस के भी अंदर अगर उनको स्ट्रिक्टली यहाँ पर रेगुलेट नहीं किया गया तो और ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम, और ज़्यादा समस्या यहाँ पर दिखाई देगी। वैसे तो डॉक्टर्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल जो है निभाते हैं, वो गवर्नमेंट के अंदर भी देख सकते हैं, रेगुलेटरी लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी, उन लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए भी, लेकिन अब एक कलेक्टिव एफर्ट करना पड़ेगा कि आप प्रमोट करो और नई नई जो एंटीबायोटिक्स जो ज़रूरत है उनकी फंडिंग के लिए काम किया जाए, क्योंकि पुरानियों पे आप कर ही नहीं पाते ना, ट्रीट ही नहीं कर पा रहे उनको, AMR हो चुका है लोगों को। तो इसी वजह से ये जो एफर्ट किए जा रहे हैं कि ब्रॉडर एक सेपरेट किया जाए कि जो आप डेथ हो रही है किसी भी कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट की वजह से, जो AMR जैसे इफेक्ट है उनके ऊपर, उन पर सोशल अवेयरनेस लाने की बहुत ज़रूरत है, ताकि खुद में जो इंसान है वो जो खुद कंज्यूम कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि इसके बाद का आगे रिजल्ट क्या आ सकता है। तो ये एक लड़ाई, एक युद्ध लड़ना पड़ेगा AMR के लिए। लेकिन क्या इतना समझ के बात खत्म हो गई? नहीं खत्म हुई है, क्योंकि हमारा जो मेंस का सवाल आएगा वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं पूछेगा, वो सॉल्यूशन भी पूछेगा, आर्टिकल तो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, मैं यहाँ पर हूँ इसीलिए मैं आपके लिए मेंस में जो सवाल आ सकता है उसको यहाँ पर लेकर आई हूँ, जो कि हो सकता है कि कुड यू प्रोवाइड सम प्रैक्टिकल वेज टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो दोनों ही हमने ऊपर देखा कि एनिमल हस्बेंड्री की बात हुई और हेल्थ केयर की बात हुई है, तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से इनको रोका जा सकता है, क्या क्या प्रैक्टिकल वेज हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हेल्थ केयर में, तो हेल्थ केयर में हो सकता है प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसीज के साथ। देखिए, सबसे पहले हमने ऊपर बात की अभी डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स को यहाँ पर गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए कि वो कितनी एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं किसी इंसान को, या कितनी का वो सिर्फ इस्तेमाल करे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म हो, ना कि वायरल इन्फेक्शन के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए। तो दोनों चीज़ों में यहाँ पर बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। काफ़ी बार जब आपको वायरल इन्फेक्शन होते हैं तो भी एंटीबायोटिक्स दे दी जाती हैं, जो कि किसी काम की है ही नहीं, क्योंकि वायरल इज़ अ डिफरेंट थिंग, वायरस से होता है वो, और बैक्टीरिया इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो ये दोनों अलग अलग यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है, उनके लिए अलग अलग दवाइयाँ होनी चाहिए, तो इस चीज़ का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। दूसरा एक हो सकता है इनहेंस डायग्नोसिस, कि डायग्नोसिस पे थोड़ा ध्यान करें, जो डायग्नोसिस टूल्स हैं उनको यहाँ पर इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर यहाँ पर वायरस का कोई इन्फेक्शन है, और वो कितना एक्यूरेटली और रैपिडली बढ़ रहा है, ताकि एंटीबायोटिक्स जो है सिर्फ उसी समय पर यहाँ पर यूज़ की जाए जब ज़रूरत हो। कई बार प्रिस्क्राइब करते समय ये भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा दवाइयों का, जितनी ज़रूरत नहीं होती है उससे 2-3-4 ज़्यादा ही दवाइयों को प्रिस्क्राइब किया कर दिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। ये भी बहुत गलत प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं करना चाहिए, जितनी ज़रूरत है बल्कि सिर्फ उतना ही यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन देना चाहिए।
नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस के थ्रू. देखो हेल्थ केयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो एजुकेट पेशेंट है उनको बता के करना चाहिए कि इसका प्रॉपर यूज़ आपको कैसे करना है, इसके खतरे क्या क्या हैं. कई बार क्या करते हैं डॉक्टर, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम पे छोटे शहर जो होते हैं उनमें यहाँ पर दवाइयाँ दे दी जाती हैं लेकिन उनके डेंजर्स को नहीं बताया जा सकता है. बताया जाता है कि इससे ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान से आप इसको लीजिएगा. सो इसी वजह से जो डिमांडिंग एंटीबायोटिक्स है खासकर वायरल इलनेस की वजह से वो यहां पर थोड़ा सा कम हो सकती है अगर इस दिशा में काम किया जाएगा तो. और खासकर जब सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं फिर भी यहां पर वायरल के लिए इंसान पेशेंट जो है वो इसको लेते रहते हैं, तो इसीलिए अवेयरनेस की बहुत जरूरत है. नेक्स्ट हम देखेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल होना चाहिए, गुड हाइजीन का यहां पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, हेल्थ केयर की जो सेटिंग वगैरह है उन पर ध्यान देना चाहिए, जो रेसिस्टेंट बैक्टीरिया है वो स्प्रेड ना हो सके ताकि इसका ध्यान यहां पर देखा जाना चाहिए, कुछ मेजर्स लिए जाने चाहिए जो कि फ्रीक्वेंट होने चाहिए जैसे कि हैंड हाइजीन की आप हाथ ढंग से धो, पर्सनल प्रोटेक्टिव का आप इस्तेमाल करें, उसके बाद प्रॉपर सैनिटाइज की जानी चाहिए हॉस्पिटल के रूम्स में भी अगर कोई ऐसा यहाँ पर देखा जाता है पेशेंट आया हुआ तो. एट द एंड हम देखेंगे हेल्थ केयर में सर्वेलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, रिपोर्टिंग की जानी चाहिए एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट ट्रेंड की जो हेल्थ केयर की सेटिंग में दिखाई देता है, ताकि जो इन्फेक्शन है उसको गाइड करने के लिए, उसको समझने के लिए यहाँ पर कंट्रोल मेजर्स लिए जा सके, गाइड किया जा सके, और जो एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन गाइडलाइंस है उनका भी यहाँ पर ध्यान रखा जाना चाहिए. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड एनिमल रेयरिंग के अंदर कि यहाँ पे क्या क्या और किस प्रकार से ध्यान रखे जाने चाहिए. सबसे पहले रिड्यूस करना चाहिए यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक. देखिए जो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि किस प्रकार से एनिमल्स में एंटीबायोटिक्स ज़्यादा लगा दी जाती है ताकि उनके ग्रोथ हॉर्मोन्स को बढ़ाया जा सके, और जब वो ग्रोथ हॉर्मोन्स की वजह से जो दूध या जो मिल्क या जो भी प्रोडक्शन आती है और ह्यूमन उनको लेते हैं तो उनके अंदर भी ये एक्यूमुलेट होने लग जाता है, इकट्ठा होने लग जाता है. तो इसी कारण से जो लिमिट है एंटीबायोटिक के खासकर लाइव स्टॉक के अंदर थेरेप्यूटिक यूज के लिए ही सिर्फ वो होना चाहिए, यानी कि अगर उनको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो सिर्फ उसी के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए, और जो ग्रोथ प्रमोशन के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है उनका उसको ऊपर पूरा का पूरा बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि वो जो भी उनका इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़े से फायदे के लिए, थोड़े से मॉनिटरी गेन के लिए किया जा रहा है, लेकिन वो उन्हीं की आने आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पूरे ह्यूमन जो हमारी हम बोल सकते हैं प्रजाति है पूरी की पूरी उसके लिए बहुत खतरनाक है. फिर इसके लिए क्या किया जा सकता है, अल्टरनेटिव लाया जा सकता है कुछ एंटीबॉडीज का, जैसे कि एक्सप्लोर करने चाहिए कि क्या क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, जैसे प्रोबायोटिक्स हो सकते हैं, प्रीबायोटिक्स हो सकते हैं कि आपने पहले ही उसको प्रीबायोटिक्स ले लिया बैक्टीरिया होने से पहले, उसके होने के बाद आपने कुछ खाया है, और जो इंजाइम है उनको यहां पर एनहेंस करना चाहिए एनिमल हेल्थ में ताकि उनकी जो प्रमोट ग्रोथ हो रही है वो प्रोबायोटिक्स या प्रीबायोटिक से हो सके, ना कि एंटीबायोटिक से हो, ये बहुत गलत है. इसके अलावा वैक्सीनेशन का ध्यान यहाँ पर रखा जा सकता है कि एनिमल्स को जो एंटीबायोटिक्स है उसको बचाने के लिए, उसको रिड्यूस करने के साथ साथ यहाँ पर वैक्सीनेशन भी करवानी चाहिए, उसको प्रिवेंट हो जाना चाहिए कि देखिए जो एंटीबायोटिक्स की रिड्यूस है ना उसको आप इस्तेमाल मत करिए, आप पहले ही अपने एनिमल को वैक्सीनेट करा लीजिए, ये बीमारियाँ उसको होंगी ही नहीं. तो इससे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का यहाँ पर खतरा कम हो जाता है, बहुत कम होगा तो कम एंटीबायोटिक्स एनिमल्स लेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है इंप्रूवमेंट इन एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस. ये भी बहुत जरूरी पॉइंट यहां पर बन जाता है कि बेटर हाइजीन होना चाहिए, बेटर न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाना चाहिए, बेटर हाउसिंग कंडीशन होनी चाहिए एक लाइव स्टॉक के लिए यहां पर, जो कि जो जितने भी इंसिडेंट होते हैं इन्फेक्शन के उनको घटा सके. अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान देंगे तो जो इंसिडेंट है वो ऑटोमेटिकली कम होंगे, और अगर यहां पर इन्फेक्शन ही कम होगा तो एंटीबायोटिक्स की जरूरत भी यहां पर यूज करने की कम पड़ेगी. एट द एंड यहां पर रेगुलेशन एंड सुपरविजन का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि गवर्नमेंट को यह चीज का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि एस्टैब्लिश करवा देना चाहिए कि जो रेगुलेशंस है एंटीबॉडीज के अंदर में लाइव स्टॉक के ऊपर जो होती है उनके ऊपर ज्यादा सख्ती की जाए, ज्यादा लगाया जाए, और इसमें जो रिक्वायरिंग वेटरनिटी प्रिस्क्रिप्शन होते हैं कि एंटीबायोटिक्स अगर कोई भी खरीदेगा तो उसके लिए पहले आपको डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्राइब किया है अपनी हैंड एंड सील के अंडर तो ही आप इस दवाई को खरीद सकते हो किसी स्टोर से जाकर. तो ये रेगुलेशन भी यहां पर लग जाने चाहिए फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी. तो ये बहुत जरूरी यहां पर हो जाता है. नेक्स्ट हम समझेंगे यहां पे कुछ
पिक्चर्स के थ्रू कि क्या ये एक्चुअली में बीमारी होती है और किस तरीके से काम करती है। तो देखिए ये एक सेल है, सेल के अंदर हम देख पाएंगे कि यहाँ पर सबसे पहले सेल का बीप लेक्ट या यहाँ पर देखेंगे सेल की वॉल है ये। इसके अंदर फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये आप देख रहे हैं आरएनए या डीएनए, हम देख सकते हैं कि ठीक है डीएनए दिख रहा है। यहाँ पर फ्लोट सिंथेसिस हो रहा है, उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। देखिए क्या होता है, मुझे आपको इधर आकर थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। देखिए जब हम बात करते हैं किसी सेल की या प्रोटीन की तो दो कामें होते हैं। हमारा जो सेल होता है उसके अंदर हमारा डीएनए, सबसे पहले तो हमारे सेल की एक वॉल होती है, राइट, दिस इज अवर सेल एंड दिस इज अवर सेल वॉल। अब हम आगे बढ़ते हैं तो सेल के अंदर डीएनए होता है और ये डीएनए कभी भी बाहर नहीं आता है। सेल के अंदर आरएनए भी होता है, ये डीएनए एक मैसेज देता है आरएनए को और आरएनए बाहर निकल कर जाता है इस मैसेज को देने के लिए, प्रोटीन सिंथेसाइज करवाने के लिए जाता है ये लिनोजाइड के पास, और ये उनके पास जाकर बोलता है कि देखिए ये मैसेज यहाँ पर, इसीलिए इसको आरएनए को बाहर निकलते क्या बोला जाता है, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए इसको बोला जाएगा। अब ये आरएनए जो है ये बाहर जाकर यहाँ पर प्रोटीन जो मैसेज बनवाया था आरएनए डीएनए ने कि क्या प्रोटीन चाहिए उसको बनवा देगा, मैसेज यहाँ पर दे देगा तो ये प्रोटीन बन जाएगा। ये इस तरीके से कुछ काम करता है, कभी भी आपका डीएनए सेल से बाहर नहीं आएगा। अब अगर किसी को अटैक करना, मान लीजिए कोई इन्फेक्शन है, कोई वायरस है, अब अगर वो अटैक करना चाहता है तो उसको अपने आप को जिंदा रखने के लिए, ये वायरस आप देख पा रहे हैं वाइट कलर का, और उसके अपने आप को बढ़ाने के लिए सेल पे कब्जा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो क्या करेगा, आपके सेल के अंदर एंटर करेगा, सेल वॉल्वेंस, सेल की जो आपकी ये वॉल है उसके अंदर, और उसके बाद जो आपकी खुद की सेल की मेम्ब्रेन होती है वहाँ से वो एंटर करना शुरू करेगा। एंटीबॉडीज होंगी तो यहाँ पर आके पहले इसको किल करेंगी, लेकिन अगर ये यहां पर एंटर कर गया तो ये आपके पूरे डीएनए पे कब्जा कर लेगा। अब ये क्या बोलेगा, अब ये मैसेंजर आरएनए को तो बाहर भेजेगा लेकिन अब वो डीएनए नहीं भेज रहा और आपकी बॉडी के लिए जो अच्छा है वो नहीं करवा रहा, बल्कि ये वायरस कह रहा है कि जाओ और ये मैसेज देके आओ कि जैसा मैं हूं मेरे सस्टेनमेंट के लिए, मेरे जन्म के लिए एक अलग प्रोटीन बनाए। अब मैसेंजर आरएनए फिर से बाहर निकलेगा लेकिन अब वो प्रोटीन जो बनवाएगा वो बनवाएगा अलग वायरस का, यानी कि अब जो नया सेल हमारा प्रोड्यूस होगा उस सेल के अंदर पहले से ही यहाँ पर डीएनए के साथ वायरस पहले से ही बैठा होगा। दो वायरस हो गए, अब ये तीन वायरस इसको बनाएंगे, सेम प्रोसेस कर करके, सेम को कर करके ये अलग अलग वायरसेस बनाएंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है आपका सेल का। अब वापस आते हैं, अब हमें समझ में आता है कि एंटीबॉडी रेसिस्टेंस क्या होता है। देखिए ये एक नॉर्मल सेल है, इसके अंदर एंटीबॉडी जो है, अगर कोई सेल के ऊपर यहाँ पर वायरस आ रहा है तो एंटीबॉडी इसको यहाँ पर पहले ही ख़त्म कर देंगी, टारगेट बना लेंगी इसको। लेकिन अगर आपका एंटीबॉडी रेसिस्टेंस हो गया, क्या वो फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आपका यहाँ पर कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, ये वायरस जो है ये अंदर एंटर कर जाएगा। यही फ़र्क यहाँ पर सबसे बड़ा दिखाई दे रहा, और फिर वो मॉडिफिकेशन करेगा। यहाँ पर आप देखिए डीएनए ब्लू कलर का है लेकिन यहाँ पर रेड कलर का हो चुका है, क्योंकि अब ये टारगेट मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि देखिए अब मैं हूं, अब मैं ये बन चुका हूं, अब आप जाओ बाहर जाके यहां पर क्या बनवाओ, मेरे जैसा ही और ऐसा प्रोटीन बनाओ जो मेरे लिए अच्छा है, जिसके अंदर पहले से ही मैं हूँ, वायरस पहले से ही हूँ। तो ये इस तरीके से काम करेगा। अब हम देखते हैं कि हाउ एंटीबॉडिक रेसिस्टेंस हैपन, कैसे ये हो जाता है। तो बहुत सारे जो जर्म्स होते हैं वो यहाँ पर लिए जाते हैं, जन्म लेते हैं, उसके बाद कुछ एंटीबायोटिक्स जो होती है दवाइयाँ ली जाती हैं, वो कुछ जर्म्स को यहाँ पर मार देती हैं, जैसे कि दो जर्म्स यहाँ पर बच गए हैं। अब ये दो जर्म ड्रग रेसिस्टेंस है कि आप कितनी ही दवाई उसको बार बार दे लो, ये इस दवाई से तो नहीं मरेंगे। अब ये अपने जैसे और जर्म्स को बना रहे हैं, क्योंकि वो लगातार ये सेल वाला काम यहाँ पर चल ही रहा है तो वो इसको और बना रहे हैं, और ये बना के जो सम बैक्टीरिया हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि अब उनके ऊपर कितनी भी हैवी डोज आप उस दवाई की एंटीबॉडी की ले लीजिए वो काम नहीं करेगी। फिर कहते हैं कि कैसे ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस स्प्रेड कैसे होता है, तो ये एनिमल से भी स्प्रेड हो जाता है, एक एनिमल से दूसरे में, उसके बाद जो उन एनिमल से मीट या जो भी आप कुछ लेते हैं दूध वगैरह तो उससे ह्यूमंस में आ जाता है। किसी ह्यूमन को अगर ये बन गया तो वो हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल से अगर सैनिटाइजेशन का ध्यान नहीं रखा गया तो फिर से उनको हो जाता है। अगर वो फैमिली में जाता है तो फैमिली में अगर उसका इन्फेक्शन है तो फैमिली से कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ भी उसके कॉन्टैक्ट जो होंगे खाने के पीने के उसके थ्रू ये फैल जाएगा। तो ये इस तरीके से फैलता रहता है।
रहता है। फिर कहते हैं कि रेसिस्टेंस जो एनिमल्स में बैक्टीरिया कैसे करता है, तो एनिमल्स के अंदर भी अलग अलग एनिमल्स के अंदर ये जन्म ले लेता है और उनमें से एक से फिर ये बच जाता है जो कि किल नहीं हो पाता, और एक से फिर ये दोबारा से अलग अलग में बन जाता है जो कि सेल्स के ऊपर बनेगा। फिर ये एनवायरमेंट के अंदर जब ये एनिमल्स को पूप वगैरह करेंगे वहाँ पर जाएगा, इनका मीट वगैरह बनाया जाएगा या जो वेजिटेशन है उनके ऊपर से ये निकलेगा, तो ये एक्सपोजर में जाएगा ह्यूमंस के पास, ह्यूमन फिर इससे बीमार होंगे और फिर धीरे धीरे वो एंटीबॉडीज लेंगे, तो फिर से ये रेसिस्टेंस इन्फेक्शन के रूप में और ज़्यादा बन जाएगा क्योंकि ये काम नहीं करेगा। कुछ जो इसके इन्फेक्शन के कोज है वो माइल्ड इलनेस भी हो सकती है, किसी को लगेगा कि बहुत ज़्यादा नहीं है, किसी को सीवियर इलनेस हो सकती है और उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। तो क्या करना चाहिए कि उनको कॉमन जो प्रिस्क्राइबिंग सिचुएशन है उसकी कुछ रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि सबसे पहले तो जो ये कल्चर है एंटीबायोटिक्स का उसको थोड़ा सा कम करो, उसको रिकमेंड करो कि कितना देना चाहिए, उसके बाद इंडिकेशन डोज का ध्यान रखना चाहिए, रीअसेस करना चाहिए कि 48 घंटे के बाद क्या जो आरएक्स आपको दी गई एंटीबॉडी दी गई उसको छोड़ने की ज़रूरत तो नहीं है, उसको लेने की ज़रूरत है या नहीं है, उसका ध्यान रखना चाहिए। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का ध्यान रखना चाहिए कि उसके ऊपर क्या असर हो रहा है। फिर न्यूमोनिया के लिए भी यहाँ पर एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं आरएक्स, उसके ऊपर भी यहाँ पर ज़्यादा पोस्ट डिस्चार्ज ट्रीटमेंट का ध्यान में रखना चाहिए कि एंटीबॉडीज़ बनी भी या नहीं बनी है, और एमआरएसए के जो इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर ये देखा जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है द नीड ऑफ एग्जामिन द एजुकेशन सिस्टम, लिखा गया है आर श्रीनिवासन के द्वारा। तो हम समझते हैं इसको अगेन फिर से माइंड मैप के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो पहले माइंड मैप जो है वो बात करा है यहां पे इनहेरेंट लॉज ऑफ करंट एग्जामिनेशन सिस्टम की, करंट एग्जामिनेशन सिस्टम जो है उसके क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या उसमें और ज्यादा अच्छाई यहां पर लाने की जरूरत है। तो फ्रीक्वेंटली क्रिटिसिज्म देखा जाता है एग्जामिनेशन सिस्टम के अगेंस्ट में, जब असेसमेंट की बात आती है तो बहुत सारा कहते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम हो रहा है ये हमेशा मेमोरी को टेस्ट कर रहा है, ना कि क्रिटिकल थिंकिंग को, कि आप सोच कितना सकते हैं, बल्कि आपकी याददाश्त को एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर याद टेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर आपको हाई ऑर्डर की लर्निंग स्किल होनी चाहिए, लेकिन आपको अगर समझदारी अपने अंदर लानी है तो उसके लिए आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, आपको क्रिटिकली सोचना आना चाहिए, एक चीज़ को एनालाइज करना आना चाहिए कि इस चीज़ के कितने पहलू हो सकते हैं, इसका क्या अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको ना करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें सिखाई जानी चाहिए, लेकिन इनका टेस्ट नहीं होता है, तो इसी वजह से जो इवेल्युएशन का प्रोसेस है, जो चेक करने का है, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादा रोट लर्निंग की तरफ ध्यान दिलवा जाता है कि आप लोग रट्टा मारिए, रट्टा मार के पढ़ाई कीजिए, अच्छे नंबर लेके आइए, बल्कि जो उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है वो डेवलप होने से रह जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर बिल्कुल देखी गई है। फिर हम देखते हैं इनहेरेंट फ्लोज ऑफ करंट एजुकेशन सिस्टम में, प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम जो है ऑफन वहाँ पर काफ़ी ग्रीवियंसेस, शिकायतें काफ़ी यही आती हैं कि बहुत ज़्यादा मनी सेंट्रिक है, ना कि फोकस नहीं कर रहा है कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग की तरफ या क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ, बल्कि सिर्फ पैसे की तरफ ध्यान देता है और सिर्फ मेमोरी की तरफ ध्यान रहता है कि आपकी याददाश्त कितनी, आप कितनी बार उस चीज़ को पढ़ रहे हो या याद कितना कर पाते हो आप। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट जो है वो आंसर को याद तो कर लेता है और उसके बाद से उनको नंबर भी आ जाते हैं, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो एक वारंट होना चाहिए अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सब्जेक्ट को समझना है आपको, वो स्टूडेंट नहीं कर पाते। बहुत सारे टॉपर्स में भी समझ नहीं होती है, सिर्फ याददाश्त रह जाती है, और वो याददाश्त की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कुछ साल के बाद आप उसको भूल जाओगे, आने वाले वाले कुछ टाइम के बाद आप उसको भूल जाओगे, लेकिन अगर आपने किसी चीज़ को समझ लिया है तो आप उसको तो नहीं भूलेंगे ना, आप उसको समझ चुके हैं, क्रिटिकली एनालाइज कर चुके हैं, तो वो आपके थिंकिंग का एक प्रोसेस बन चुका है, तो अब आप उसको नहीं समझेंगे। तो माइंड का जो न्यूरॉन सिस्टम है उसको हमें ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पे अलग से काम करवाने की बहुत ज़रूरत है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया गया पॉइंट, ग्रेव मिस्टेक ऑब्जर्व्ड इन क्वेश्चन पेपर। देखिए बहुत सारे जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें बहुत सारे फ्लॉज देखने को मिलती है, जैसे कि कभी लैंग्वेज का एरर दिखाई देता है, फिर कभी कभी मिस इंटरप्रेटेड कंसेप्ट दिखाई देते हैं, इररेलीवेंट क्वेश्चंस होते हैं, लैक ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं कि हाई ऑर्डर लर्निंग जो होती है उसको टेस्ट कैसे किया जा सकता है, तो ये सारी समस्याएँ भी हैं। थर्ड यहाँ पर क्रिटिसिज्म टुवर्ड इंस्टीट्यूशनल सर्टिफिकेशन, इसका क्या मतलब है कि एम्प्लॉयर्स जो होते हैं टिपिकली उनको बहुत कम पैसा मिलता है सर्टिफिकेट्स वगैरह करने के लिए, इंस्टीट्यूशन का
जो सर्टिफिकेट होता है और वो कहीं ना कहीं जो एक्यूरेट रिफ्लेक्ट होता है किसी कैंडिडेट का एकेडमिक अचीवमेंट का, वो अच्छे से दिखा नहीं पाता है कि कितना उसको सुटेबली इम्प्लॉयमेंट अब उसको सर्टिफिकेट से मिलेगा, डिग्री से मिलेगा कि ठीक है आपने ये नंबर दिए थे इसी के हिसाब से आगे आपका पूरा जीवन है, लेकिन वो जो एक कैंडिडेट था उसकी पूरी की पूरी जो क्षमताएं हैं उनको नहीं दिखा पा रहा। और इसी के कारण से जो कोचिंग मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जहाँ पर स्किल्स की बात हो रही है एग्जामिनेशन की बात हो रही है, तो ये भी एक काफ़ी मार्केट के लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। फिर हम फोर्थ पॉइंट पे जाएंगे जो कि बात कर रहा है एडवोकेटिंग फॉर इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज। देखिए टेक्नोलॉजी जो है असेसमेंट के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशली एनहेंस कर देती है क्रेडिबिलिटी को, तो इसीलिए जब आप किसी को असिस्ट कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का सहारा वहाँ पर ज़्यादा लिया जा सकता है। सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जो है वो स्टैंडर्डाइज एकेडमिक कंटेंट को यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं बनाने में, और इवेल्युएट करने के लिए भी अलग अलग एग्जाम्स होते हैं ताकि जो बैलेंस है वो बना रहे और जो फेयरनेस है ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर वो भी यहाँ पर बनी रहे। फिफ्थ हम देखते हैं जो कि है द नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड रेमेडीज फॉर ग्रेवियंसिस। एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बनाना ही चाहिए, जहाँ पर स्टूडेंट जो है वो इवेल्युएट करने के लिए खुद को एक्सेस कर सके, वो शिकायतें कर सके कि देखिए मैंने कुछ और लिखा था लेकिन यहाँ पर मुझे जो मार्क्स मिले हैं वो अप टू मार्क क्यों नहीं हैं, जितना मुझे मिलने चाहिए थे उतने नहीं है, तो उनकी शिकायतों को सुना जाना चाहिए और ज़्यादा अच्छे से सुना जाना चाहिए ताकि खुद जो बच्चे हैं उनके अंदर एक लगन हो पढ़ने की समझने की चीज़ों को। और इसी वजह से जो सीरियस इशूज़ है जैसे कि कभी कभी नेगलिजेंस हो जाता है, इग्नोरेंस हो जाती है, फ्रॉड हो जाता है, एकेडमिक इनएडिक्वेंसीज दिखाई देती हैं, या फिर क्वालिटी कंसर्न यहां पर जो है उनको कोडिफाई करवा देना चाहिए और उनके अकॉर्डिंगली यहां पर पनिशमेंट्स को भी रजिस्टर करना चाहिए कि अगर ये काम होगा तो इसके प्रति ये पनिशमेंट मिलेगी, या फिर जो रिवॉर्ड्स है वो भी यहां पर दिखाई देने चाहिए। तो ये सारी चीजें कोडिफाई मैनर में पहले ही पता होनी चाहिए कि देखिए अगर ऐसी कोई घटना होगी तो इसके ऊपर एक्शन यहां पर क्या लिया जाएगा। सिक्स्थ नंबर है जो कि है परफॉर्मिंग रूटीन एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ असेसमेंट सिस्टम। देखिए तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर सिक्स पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर तो ये कह रहा है कि रेगुलर ऑडिट्स का काम करना चाहिए स्कूल्स बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, या जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन सिस्टम होता है अगर उनके अंदर आप रिलायबिलिटी चाहते हैं, असेंशियल रिलायबिलिटी की यहाँ पर बात हो रही है, फिर कंसिस्टेंसी देखना चाहते हैं तो रेगुलरली ऑडिट करना पड़ेगा, रेगुलरली चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये स्कूल वगैरह ठीक से परफॉर्मेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई इंस्पेक्शन इनके ऊपर होता रहना चाहिए, इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर वो रेगुलर रहना चाहिए। इसके लिए पैरामीटर्स जो है ग्रेड करने के लिए किसी भी एग्जामिनेशन बोर्ड के अंदर वो पहले से ही डिसाइड हो जाना चाहिए कि आपको 5 नंबर इस चीज के मिलेंगे, 5 मार्क्स फॉर दिस थिंग, एंड ये पैरामीटर्स जो है अलग अलग चीजों के वो पहले ही बिल्कुल यहां पर बना दिए जाने चाहिए किस चीज के कितने मार्क्स मिलेंगे। इससे क्या फायदा होगा कि एक तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, रिलायबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी और कंसिस्टेंसी भी यहां पर दिखाई देगी। फिर जो ऑडिट की रिपोर्ट है उसको भी पब्लिश कर देना चाहिए ताकि जो सिस्टम है वो अकाउंटेबिलिटी यानी कि जिम्मेवारिता जो है वो ज़्यादा यहाँ पर बनी रहे, मेंटेन हो पाए, ताकि उनको डर हो कि उनकी इसकी जो रिपोर्ट है इसकी वजह से उनकी छवि पे क्वेश्चन मार्क उठ सकता है, उनके पास एडमिशन कम आएंगे, तो इसी वजह से ज़्यादा वो ध्यान दें। एट द एंड हम क्या बात कर सकते हैं कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि जो स्टूडेंट है उनको रेगुलरली कॉम्प्रिहेंसिवली असिस्ट करने की ज़रूरत है, इंटेंसिवली उनको समझाना पड़ेगा कि देखिए पढ़ना और समझना अलग होता है, रटना और समझना अलग होता है, और ज़िंदगी में समझना काम आएगा ना कि रटना कभी काम आएगा। इसी वजह से जो ये एग्जामिनेशन सिस्टम है इसी के अंदर बदलाव की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी चाहिए, ग्रेड करने में असिस्टमेंट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, और एक्चुअली जो एकेडमिक अचीवमेंट है किसी बच्चे की उस पे ध्यान देना चाहिए कि कितना उसको समझ में आया है। नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि उसने सेम टू सेम बुक से लिखा है कोई चीज या अपनी भाषा में वो क्या लिख रहा है, उसको क्या समझ में आया है, और ज्यादा उनकी तारीफें की जानी चाहिए, क्लास में बुलाकर उनका नजरिया बदलना चाहिए कि आप जितना अच्छा खुद से लिख पाएंगे, खुद से समझकर वो ही ज़्यादा प्रेस किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं नज़रिया बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसी के लिए एक फेयर इवेल्युएशन सिस्टम होना चाहिए जो कि काफ़ी केयरफुली बनाया होना चाहिए, स्टैंडर्ड बनाए जाने चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए, तो इसकी अभी इंडिया के एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लास्ट आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है सर्विस सेक्टर विटनेस
दिस पीएमआई सिग्नल सर्विस एक्टिवली रिबाउंडेड टू ए 3 month हाई। देखिए तो सर्विस सेक्टर में एक सर्च यहाँ पर दिखाई दी है जो कि है दिसंबर के महीने में, जो कि 3 month का सबसे ज़्यादा हाई देखने को मिला। एक रिपोर्ट छापी गई है HSBC इंडिया सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI, तो इसके द्वारा ये जो रिपोर्ट आई है इसके अकॉर्डिंग इंडिया के जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक रिबाउंड देखने को मिला है दिसंबर के महीने में, जहाँ पर जो लास्ट 3 महीने का सबसे ज़्यादा यहाँ पर मार्केट के अंदर सर्विसेज का इस्तेमाल किया गया है। ये शिफ्ट किसी कारणों की वजह से है, कहीं पर बिजनेस ग्रोथ में राइज मिली है, कहीं पर आउटपुट में इंक्रीज हुआ है इन वजह से। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है HSBC सर्विसेज के बारे में। तो HSBC जो इंडिया सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है उसने शो किया है कि कुछ सेक्टर यहां पर रिबाउंड कर रहे हैं, वापस से उठ रहे हैं, ज्यादा अच्छे से यहां पर ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो इंडेक्स जो है वो 59 यहां पर बढ़ चुका है कुछ सेक्टर्स का, जो पहले जब उनका स्कोर किया गया था पिछले 3 महीने में तो 56.9 यहां पर दिखाया गया था। फिर यहां पर सेकेंड पॉइंट है जो कि है फ्रेश एक्सपोर्ट ऑर्डर एलिवेट पेस। देखिए जो ग्रोथ हो रही है उसके बाद भी जो फ्रेश एक्सपोर्ट ऑर्डर हो रहा है, आयात जो निर्यात जो किया जा रहा है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लगिश पेस में है, ग्रोथ उसकी काफ़ी कम है जून 2023 से ही। तो ये भी यहाँ पर एक कंसर्निंग पॉइंट, ये जो अलग पॉइंट है वो दिखाई दे रहा है। फिर डिक्रीज हुआ है इनपुट कॉस्ट में, यानी कि जब आप किसी चीज़ को बनाते हो सर्विस को ग्रो करने के लिए, कोई चीज़ बना रहे हो तो आप खर्चा उसमें कितना कर रहे हो उसमें यहाँ पर थोड़ी कमी दिखाई दी है। तो वैसे तो सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है लेकिन जो उसका नॉमिनल इंक्रीज है इनपुट कॉस्ट के अंदर वो कम है, इसी वजह से इसकी जो पेस देखी जा रही है वो 40 महीने में सबसे कम दिखाई दी है। तो ये एक अच्छे या फिर हम बोल सकते हैं कि फायदे की बात है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि ग्रोथ इन न्यू सर्विस सेक्टर जॉब्स। तो दिसंबर में ये भी मार्क किया गया है कि जो 19 कंसेक्यूटिव मंथ है जॉब क्रिएशन के सर्विस सेक्टर के अंदर वो काफ़ी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। उनकी जो पेस है, उनकी जो स्पीड है वो कंपेरिजन अगर नवंबर से करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और पार्ट टाइम की भी यहाँ पर बात हो रही है, फुल टाइम की भी बात हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखा रहा है हमारे पूरे के पूरे। उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, वेस्ट एशिया की कुछ कंपनीज हैं जो यहां पर बहुत ज्यादा डिमांड दिखा रही है, एविडेंस दे रही है कि उनकी डिमांड हो रही है ग्रोथ को देखते हुए। नंदनलेस जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम तो है लेकिन फिर भी स्पेशली अगर फ्रेश एक्सपोर्ट ऑर्डर को ध्यान में देखा जाए तो फिर भी काम ठीक से हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। स्पीड बेशक कम हो लेकिन पॉजिटिव नेट पर सारी चीजें हो रही हैं और इसी वजह से जो ओवरऑल इंक्रीज देखा जा रहा है बिजनेस के अंदर वो भी यहां पर अच्छे से देखा जा सकता है, जो के लेवल से काफी अच्छा है। तो यहीं पे हमारा जो पूरा एनालिसिस है न्यूज़पेपर का वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर जो भी यहाँ पर बने हुए हैं। PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और